मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडित पी के ब्लॉग्स। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आजकल जीपी में हूँ, तो कोइंसिडेंटली आज मुझे यहाँ पर अपना एक कॉलेज फ्रेंड मिला, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम आज जीपी वाटरफॉल घूमने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आसपास का व्यू कितना अच्छा हुआ है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जीपी वाटरफॉल, तो मैं आज आपको बताऊँगा कैसा रहता है आज हमारा दिन। मेरा आज प्लान बना कि मैं यहाँ पे, मेरा एक फ्रेंड होता है शिवम रघुवंशी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ वाटरफॉल घूमने चले। इसके यहाँ पे घर हैं, हम कॉलेज में साथ पढ़े हैं, तो मेरे को सडनली ये मिला, तो हमने प्लान बनाया कि हम आज वाटरफॉल घूमने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ की वजह से बहुत ही तबाही हुई है। आप देख सकते हैं कि पानी का कितना ज़्यादा फ्लो है इधर। बहुत ही अच्छा व्यू है। वैसे तो हमने प्लान बनाया था कि हम शाम के टाइम यहाँ पे घूमने आएंगे, पर सडनली हमारा प्लान चेंज हो गया और हम सुबह यहाँ पे आ गए। तो रघुवंशी जी, आप बताएंगे कि फ्लड की वजह से यहाँ जीपी में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ इस बार? अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 से 1.5 करोड़ तक का खर्चा। तो आपका तो नहीं हुआ कुछ नुकसान? नहीं, इस बार नहीं हुआ है, फ्लड वगैरह नहीं हुआ। ओके, ध्यान से चलने से आगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे पुल बहुत ही सुंदर बनाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे सिविल स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये तो बारिश के कारण एक छोटा पुल था वो टूट गया, और आगे से मुझे लगता है कि रास्ता बंद है। तो चलो, हम आपके लिए कोशिश करेंगे, अगर हमसे हो पाया तो। रास्ता तो बहुत ख़राब है, पर किसी को एडवेंचर कहते हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं तो निकल गया, अब शिवम देखते हैं कैसे आएगा। ये तो पानी के बीच में से आ रहा है, पूरा एडवेंचर का मजा ले रहा है। और ठंड तो गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। व्यू अल्टीमेट। यहाँ पे भी हमें जंप करके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक बहुत ही लंबा जंप है। वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हैं। अभी से ही बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मैं अब पहुंच चुका हूं लास्ट ब्रिज के पास, और यहां से जो वाटरफॉल है वो बहुत नज़दीक है। तो आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल का नज़ारा कितना सुंदर है। गाइस, अब मैं जा रहा हूँ वाटरफॉल के नज़दीक, और नज़दीक से तो वाटरफॉल को देखने का अलग ही मज़ा है, और मेरे अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है, वाओ। हम दोनों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं कि आसपास का व्यू भी कितना अच्छा हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर से कितने ज़्यादा तेज फ्लो के साथ गिर रहा है, और यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से कनेक्ट होके आगे जा रहा है। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं
क्वार्टर की तरफ वापस। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, बट आजकल आना तो यहाँ पे चाहिए नहीं, पर थोड़ा मौसम खुल गया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आप ऐसा ही सपोर्ट करते रहें और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।